हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर आप उन पैसी कंपनी के फाउंडी मेंबर हैं, आपके लिए जो अपडेट है काफ़ी ज़रूरी है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अभी यहाँ पे दोस्तों बात करें पेमेंट की, तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने यहाँ पे जो कमीशन आया है उसके विड्रोल के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली यहाँ पे। बट यहाँ पे कुछ ऐसे फाउंडर हैं जिनको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में या फिर अपने क्रिप्टो वॉलेट में जो पेमेंट है रिसीव नहीं हुआ यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक टिकट रेज करना है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी की ओर से एक फैसिलिटी यहाँ पे टिकट रेज की, ठीक है। कंपनी की जो सपोर्ट टीम है उसको आपको एक मेल करना है, ठीक है। उसमें अपना जो आईडी है, अपना जो वो फाउंडर आईडी है वो डालना है यहाँ पे, अपना जो ओईएस का आईडी है वो डालना है यहाँ पे, और साथ में आपका जो क्यूरी है, ठीक है, आपका जो क्यूरी है यहाँ पे वो भी यहाँ पे डालना है, ठीक है। और जो सपोर्ट टीम है उसको मेल करना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अभी बात करें यहाँ पे, यहाँ पे बहुत से फाउंडर का यहाँ पे जो क्यूरी है आ रहा है, पेमेंट जो पेमेंट है पेमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे पेमेंट ले रहे हैं, जिन फाउंडर ने यहाँ पे गलती कर दी है, अभी गलती ये हुई यहाँ पे कि मैक्सिम फाउंडर ने यहाँ पे जो पेमेंट है पेमेंट लिया है बैंक में, और बहुत से जो फाउंडर हैं उनका जो पेमेंट है यहाँ पे आ नहीं रहा है, क्योंकि जो बैंक का जो प्रोसेस है यहाँ पे स्लो है। अभी इसके ऊपर जो पेमेंट है पेमेंट नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट जो क्रिप्टो है क्रिप्टो वॉलेट के ऊपर जो पेमेंट है आ रहा है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे विड्रॉल नहीं लगाया है और अगर आपको यहाँ पे विड्रॉल लगाना है तो आप क्रिप्टो में लो, ठीक है, क्योंकि जो क्रिप्टो है क्रिप्टो में बहुत से फाउंडर का जो कमीशन है उनके क्रिप्टो वॉलेट में आया है। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपना जो पेमेंट है क्रिप्टो में लो। और साथ में दोस्तों बात करें यहाँ पे जो कंप्लेंट है, अगर हम यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारी क्यूरी है, अगर हम क्यूरी कर रहे हैं यहाँ पे जो सपोर्ट टीम है उसको, कि हमारी कोई ये क्यूरी आ रही है, हमारा जो पेमेंट है बैंक में नहीं आ रहा है या फिर हमारे वॉलेट में नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे मेल करना है और साथ में यहाँ पे चेक करते रहना है यहाँ पे, जैसे कि हमने टिकट रेज किया है उसका जो स्टेटस है वो भी चेक करना है यहाँ पे, ठीक है, कि हमारा जो स्टेटस है यहाँ पे वो भी पेंडिंग में है या फिर जो क्लोज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 24 आवर के अंदर हमारा जो क्यूरी है यहाँ पे सोल्व होता है, और यहाँ पे अगर हमारा क्यूरी सोल्व नहीं होता है तो दोबारा से हमारे को यहाँ पे मेल करना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।